It's 1:03. 97.1 FM. You are in tune with Radio Faza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. फरजाना खान आपसे मुखातिब है। أين عهد قد سما بالعزة وشباب شمروا للجنة فتحوا الدنيا بسيف الحكمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد फरजाना खान की जानिब से माह रमजान शरीफ की मुबारकबाद नॉटिंगहम और गिरदनवा में और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में सुनने वाली समातों के नाम ढेर सारी दुआएं के इसकी बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। सामईन ये आखिरत कमाने और बनाने का महीना है। इस महीने में यानी रमजान अल मुबारक में जो भी काम करने हों उनमें कम से कम वक्त लगाएं और ज्यादा से ज्यादा वक्त जिक्र इबादत और दुआ और तिलावत के लिए इस्तेमाल करें। बिला जरूरत लोगों से मुलाकात भी न करें ताकि फजूलियात में कीमती महीने के कोई भी लम्हे जाया न हो। इस महीने में गुनाह से बचने की तमाम मुसलमान खूब खूब कोशिश करते हैं। आंख कान नाक दिल जुबान और हाथ पैरों को गुनाह से बचाते हैं। और दुनिया की बुराइयां गाली गलौज हेबत चुगली लड़ाई झगड़ा झूठ इन तमाम से बचने की कोशिश करते हैं मुसलमान और ये परवरदिगार की जानिब से हम सब की ट्रेनिंग है ताकि बकिया साल भी हम इसी महीने में अपनाई गई आदतों को अपनाएं और उन पे अमल करें उन्हीं आदतों के साथ साथ चलें। ये रहमत का इशरा है। इसमें तमाम मुसलमानों के लिए मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों अजीजों अकारिब दोस्त अहबाब सभी के लिए दुआएं और मगफिरत और रहमत अपने जन्नत की ठंडी हवा की तरह आती हैं। सो पनाह मांगे दोजख से और अपने लिए हक ताला से दुआएं मांगे और अपने मसाइल का मुताला भी कीजिए और देखिए कि आपको क्या हल मिलता है। माह रमजान उल मुबारक का अजर सवाब बेशुमार है। माह रमजान कैसा मुबारक महीना है कि इसमें फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर है और हर नफिल इबादत का सवाब फर्ज के बराबर है। ये सब्र गमखारी करने का महीना है। रोजा अफ्तार करवाना गुनाहों की मगफिरत और दोजख से आजादी का जरिया है। पेट भर खाना खिलाना कहते हैं कि हौजे कौसर से जामे कौसर नसीब होने और जन्नत मिलने का जरिया है। पहला अशरा सरासर रहमत है जबकि दूसरा अशरा दिन रात मगफिरत का और आखिरी अशरा दोजख से आजादी के लिए है। सुसामही इस माह की दिलो जान से कदर करें तमाम फजाइल हासिल करें इसी फिक्र में रमजान के दिन गुजारें वरना ये गुजरा वक्त हाथ नहीं आएगा। जो कुछ हासिल करना है
कर लीजिए। हजरत अबू सईद खदरी रदी अल्लाह आयत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इन दरवाजों में से कोई दरवाजा भी रमजान शरीफ की आखिरी रात तक बंद नहीं किया जाता और कोई मुसलमान बंदा ऐसा नहीं है कि रमजान शरीफ की रातों में से किसी रात में नमाज पढ़े मगर ये कि अल्लाह ताला उसके लिए हर सजदे के बदले में 2500 नेकियां लिखे और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक मकान बना दे जिसके 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के लिए सोने का एक महल होगा जो खूबसूरत सुर्ख याकूत से आरास्ता होगा। फिर जब रोजेदार रमजान और मुबारक के पहले दिन के रोजे रखते हैं तो उनके गुज़िश्ता सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और रोजेदारों के लिए रोजाना सुबह की नमाज से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहते रहते हैं और रमजान शरीफ की रात या दिन में अल्लाह के हुजूर जब कोई सजदा करता है तो हर सजदे के एवज उसको जन्नत में एक ऐसा दरख्त मिलता है जिसके साये में सवार 500 बरस तक चला जा सकता है। हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा जन्नत माह रमजान के लिए शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है। जब रमजान शरीफ का महीना शुरू होता है तो जन्नत अल्लाह ताला से अर्ज करती है, ऐ अल्लाह, इस मुबारक महीने में अपने बंदों में से कुछ बंदे मेरे अंदर कयाम करने वाले मुकर्रर फरमा दीजिए जो इबादत करके मेरे अंदर दाखिल हो सके। أمتي قد كنت في أعلى القمم وبلغت المجد في كل الأمم أمتي أين التقى أين الذمم فارجعي للنور كي تجلو الظلم जिस शख्स ने इस मुबारक महीने में कोई नशा किया या किसी मोमिन पर कोई बहतान लगाया या कोई गुनाह कबीरा किया तो अल्लाह ताला उसके साल भर के नेक अमाल खत्म कर देते हैं। लिहाजा रमजान शरीफ के महीने में बे एहतियाती से बचें क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है, इसमें हुदूद से आगे न बढ़ो। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 11 महीने मुकर्रर किए हैं जिनमें तरह तरह की नेमतें इस्तेमाल करते हो और लज्जतें हासिल करते हो। रमजान का महीना अल्लाह ताला ने खास अपनी इबादत के लिए मुकर्रर किया है। रमजान के महीने में बेएहतियाती से गुरेज कीजिए और जानो दिल से अल्लाह ताला की अतात कीजिए। रमजान उल मुबारक का महीना खालिस आखिरत कमाने का महीना है, इसलिए इस महीने की तरफ भी खास तवज्जो की जरूरत है। तमाम गुनाहों से इंसान जो है वो बचे, पनाह मांगे और सुन्नत के मुताबिक इबादत का एहतमाम करे। अल्लाह ताला उसका ऐसा अजर देगा कि जिसकी वसत का तसव्वुर इंसानी जहन से बहुत बुलंद है। وشباب شمروا للجنة فتحت
فتح الدنيا بسيف الحكمة. हज़रत अली से रवायत है कि जब रमज़ान शरीफ की पहली रात हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब करने के लिए खड़े हुए और अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करके इरशाद फरमाया, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। खूब सुन लो, अल्लाह ताला ने हर सरकश शैतान पर 7 फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए हैं, लिहाजा अब रमज़ान गुजरने तक छूटने वाले नहीं ये। और ये भी सुन लो कि रमजान शरीफ की पहली रात से आखिर रात तक के लिए आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं और इस महीने में दुआ कबूल होती है। रेडियो फिजा 97.1